अच्छा चलो मैं तुमको ले चलता हूँ, हट, तुम्हारे जब से परेशान करके रखा वो छोड़ के चला जाता क्योंकि वहां तक जाने का नंबर आएगा तो अब तो साक्षात दिख जाएगा, तू साक्षात देखना नहीं उसको तो मालूम है ना, तो देख तो वो जो है कितनी देर से परेशान कर रहा है, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, जबरदस्ती परेशान यार, ऐसा हाथ झटक करके और परिवार पूरे में घुस जाएगा। एक अपरिश्रावी नाम का गुण है, अपरिश्रावी नाम का गुण माने दूसरों के लिए तो वो लड़का हमारा बिल्कुल सोने के कंचन के समान है, लेकिन जब अकेले में मिलता है लड़का, अब बेटा अब जो है ना ये बाप अवपीड़क बन जाता है, अभी तक तो अपरिश्रावी था, अब अवपीड़क बन जाता है। वो मैं जैसा ये उनको कह रहा था ना कि मैं गया ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, आपने आपको गलत भ्रम हो गया होगा, बेटा जिस स्कूल में पढ़ा है ना वहाँ का मैं प्राचार्य रह चुका हूँ, ज़्यादा होशियारी मत दिखा। उसको भला मना कर रहा था और कह रहा था मैंने तेरे को साक्षात अपनी आँख से देखा। अच्छा तो किस वो बताओ किसके उसका किसके साथ साथ आपने देखा, कहाँ देखा, कोई प्रमाण बताओ। तो वो जिससे छुटलाया था ना जिसको, उसी को लेकर के आता है, बताता है बेटा ये राजन भैया मेरे साथ में थे। अच्छा वो ये नहीं बोलता है लड़का कि राजन भैया से पूछ लो तुमने वहाँ आ भरी थी कि नहीं। कहने का मतलब ऐसा जोरदार जो है इसका स्वरूप है, अवपीड़क है, और कौन सा है, दो तीन एक बच गए कि ज्यादा ही, एक ही बचा, सब हो गए। अच्छा आठ गुण माने गए, आठ गुण, आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपरिश्रावी, अवपीड़क, चैत हुए, दो और रहे। ऐसे इतने मतलब इस आप जो है ना एक माँ के अंदर ये सब देख सकते हैं, निर्यापक भी है उसे, निर्यापक है, निर्यापक माने अब वो लड़का जब बीमार पड़ेगा बोलो अब उसकी सेवा शुश्रूषा ये माँ कैसी करती है, आप बताओ, देखो ना कैसी करती है उसकी माँ की सेवा शुश्रूषा। कोई कह रहा है कि साहब ये जो है ना तुम उसके पास में रहोगे ना ये कोरोना लग जाएगा, माँ को कह रहा है बेटे के पास में तुम जाओगे, खाना दोगे, ये करोगे, वो करेगा, तुमको कोरोना लग जाएगा, छह बार लग जाए एक बार की जगह, लड़का हमारा मर रहा है, लड़का परेशान हो रहा है और तुम हमें बता रही कि तुम ये हो गया है, वो हो जाएगा। इतना मतलब निर्यापक जो है ये रोल अदा करता है। अब आखिरी समय में कितनी बीमारियों का घर हो जाता है वो साधक छपक, लेकिन वो निर्यापक उनकी सब सेवा शुश्रूषा सारी वो जो है वो करता है, इसलिए जो है वो भी एक गुण होता है। ये सब गुण जिसके हों वो आचार्य परमेश जी बनने के लायक, इसलिए इन्होंने जो है अभी आचार्य घोषणा नहीं करी, निर्यापक बनाया था, निर्यापक बनाया, मालूम निर्यापक क्यों बनाया, निर्यापक में उनने क्या देख करके बनाया बताओ। बड़े बड़े जो साधु थे उनको बनाया है उनमें, लेकिन कई बड़े साधुओं को नहीं बनाया है, बड़े मतलब उम्र में बड़े पुराने, और जो अभी दो चार साल पुराने दीक्षित हैं उनको बना दिया, क्या सोच करके बना, हमारे नागपुर के वीर सागर जी को बनाया, क्या ताकत फाकत नहीं थी, वो अपने साथ कितने लोगों को लेके चल सकते हैं, ताकत होती है, इसका अर्थ ताकत होता है, इसका अर्थ होता है कितना प्रेम है आप में, कितना आप में संभालने की क्षमता है, कितनी आप में बुद्धि है, आप कितना लोगों को सही ढंग से गाइड कर सकते हैं। आपके साथ में 10 साधु जा रहे हैं, 10 साधुओं की व्यवस्था वो जगह पर है, इतना दिमाग है क्या नहीं आपके पास, उन निर्यापक को जो है ना वो साथ में लेकर चलने की कई लोगों को नहीं होती है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं होती, तो बोल भैया हम इनके साथ में नहीं जाएंगे, बोले साहब ये यात्रा लेकर के जा रहे हैं राकेश भैया, तो राकेश भैया यात्रा तो हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो, और कोई दूसरे राकेश लेके जा रहे हो तो भैया जी अपनों नहीं संभाल पाते, हमारे हमने कहा संभाल, तो जो है वो ऐसा निर्यापक में वो लेके चलने वाली बात। चलिए विशेष चर्चा और, अब ये तीसरी प्रतिमा की चर्चा और करना है।